आज माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तमाम पूरे मुल्क से और तमाम दुनिया से जो हमारे साथी ऑनलाइन इस मीटिंग में शरीक थे, आज हमने मुत्तफिका तौर पर ये फैसला किया है कि हम 11 अगस्त को, जिस दिन को शहीद शहबाज़ भट्टी ने यौम अक़लियत करार दिलवाया और जिससे पिछले साल हमने प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली निकाली, इस दफ़ा भी फिर हमने अपनी तहरीक, अपनी तारीख को दोहराने का ऐलान किया है। हम 11 अगस्त को डी चौक इस्लामाबाद में रैली करेंगे और एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, और जलसा करने का मकसद पाकिस्तान में अपनी बावकार सियासी शनाख्त को मनवाना और अकलीतों को मुतहद और मुनज़्ज़म और मुतहर्रक दिखाना है। हमारा ये जलसा इंतखाबी इस्लाहात के लिए है कि हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें दोहरा वोट चाहिए, कौमी और असम्बली की सूबाई असम्बली की नशस्तों में इजाफा चाहिए, सेनेट में इजाफा चाहिए, हल्का बंदियां चाहिए, ताकि हमारे जो वोट का तकद्दस है वो कोई पामाल ना करे, बल्कि हमें हमारे जो लोगों का जमहूरी हक है, जो आइनी हक है, वो उनको मिले। हम चाहते हैं कि जो हसास मजहबी कवानीन है उनका गलत इस्तेमाल ना हो, लोगों को मावरा अदालत का तंग ना किया जाए, लोगों को ज़ाती दुश्मनियों की बना पर हसास मजहबी कवानीन का निशाना ना बनाया जाए। माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान चाहती है कि जो कम सिन हमारी बच्चियां हैं उनको जबरन शादियां ना उनसे की जाए, उनको अगवा ना किया जाए, और फिर सजा से बचने के लिए मजहब तब्दील करवा के उनको अदालतों से मनमाने फैसले हासिल ना किए जाए। इसके लिए हम कानून साजी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी इस्लामाबाद की कच्ची आबादियां हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, उनको मालकाना हकूक हासिल नहीं है, उनको मालकाना हकूक फराहम किए जाएँ, और हमें अकलीतों की गुर्बत और जहालत को दूर करने के लिए अकलीतों को ज़रूरी ज़मीनें अलाट की जाएँ, उनको रहाइश के लिए गांव आबाद किए जाएँ। हम चाहते हैं कि 5% कोटे पर अमल दरामद किया जाए और टेक्निकल अदारों में हमें 5% कोटा दिया जाए। हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में और वफाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आला तलीम दी जाती है, वहाँ पर भी हमें कोटा अदा किया जाए। ये वो तमाम मुतालबात हैं जिनको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान शहीद शहबाज़ भट्टी की शहादत के बाद इन इश्यूज़ पर बात करती आई है, और हम चाहते हैं कि आज पूरी कुव्वत के साथ हम यहाँ के हुक्मरानों को बताएं कि हमको लावारस महकूम कौम नहीं है, बल्कि एक गैरतमंद और बावकार कौम है। हम हुब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी की सलाम, पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन तअस्सुब की बिना पे, नफरत की बिना पे, छूतछात की बिना पे हमारा इस्तेहसाल ना किया जाए, हमें बराबर और यकसा मौके दिए जाएं, हम पे आईनी जो कदगन है ओदों पर आने के लिए उसको उठाया जाए, और सोसाइटी में हमें बराबर और यकसा हक दिए जाएं, ताकि हम पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम कर सकें। इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं मजहबी अकलीतों पर होने वाले जो जुल्म व सितम है जो हिंदुस्तान में हो रहा है या बाकी जगहों पे, उसकी भी मजम्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बरसगीर में जितनी भी मजहबी अकलीतें हैं पाकिस्तान समेत उनके हकूक दिए जाएं, ताकि तमाम लोग जो कायदे आज़म का विजन है खुसूसन पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने 11 अगस्त 1947 की तारीख में कहा था कि तमाम लोग बराबर के शहरी होंगे, बराबर के पाकिस्तानी होंगे, कोई शख्स रंग, नस्ल, मज़हब और अकीदे की बुनियाद पर पहचाना नहीं जाएगा। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए, जहाँ पे जो लिबरल और सेकुलर पाकिस्तान हो, जहाँ पे जमहूरियत पायदार हो, जहाँ पे लोगों को अमन और इंसाफ मिले, जहाँ पे लोगों में खुशहाली आए। तो आए आज मैं मुल्क की तमाम अकलीतों से, उनके तमाम तबकात से, तुलबा से, ख़वातीन से, मज़दूरों से, किसानों से, वुकला से, नर्सेस से, और जितने भी शोबाए जात हैं, उनसे मुतालबा करता हूँ कि आप माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान की इस काल पर डी चौक में तशरीफ़ लेके आए 11 अगस्त को। मैं अपने लिबरल और सेकुलर जो मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस काज़ में पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए, यहाँ से छूत छात, नफरत और तसब के खात्मे के लिए आएँ, हमारा साथ दें, जलसा आम में आए, ताकि हम पाकिस्तान को मिलजुल कर अमन का गहवारा बना सकें, मोहब्बत का गहवारा बना सकें, और इस मुल्क से करप्शन,
करबा पर भी और इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए अकलीतें जो है अपना किरदार अदा कर सकें।